ये तो हमको ये देखकर बहुत खुशी हुई। हम चाहते हैं कि ये डीन आज भी रहना चाहिए और आगे भी रहना चाहिए, इनको रिटायर हुए बाद भी एक्सटेंशन पे लेना चाहिए। औरंगाबाद को ऐसे डीन की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर पूरे ग्रामीण से इतने लोग आते हैं, ग्रामीण से क्या सिटी से क्या इतने लोग आते हैं। यहाँ कैपेसिटी कम थी, फिर भी उन्होंने कर्मचारियों को लेके चलने की हिदायत दी। आज माशाल्लाह से घाटी का सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है और पूरा मेडिसिन इंजेक्शन सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, और नहीं भी है तो ये अवेलेबल करके दे रहे हैं। एक अंत्यविधि हुई थी, अंत्यविधि के टाइम में कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी, तो साहब को फोन किया गया, साहब ने अर्जेंट 2000 रुपये ऑनलाइन मार दिए थे। अर्जेंट मार के साहब ने इतनी मदद, जब भी फोन करे साहब को तो हर टाइम साहब मदद करते, और हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। कल रात में एक पेशेंट आया था, पेशेंट को हवा मारे दी गई थी, और वो पेशेंट बहुत गरीब था, ऑटो चलाता था। वो पेशेंट की इस्तेदात नहीं थी कि वो पैसे खर्चा करके एक इंजेक्शन लाए, क्योंकि उसको यहाँ से 30 से 60 हज़ार रुपये का कुछ इंजेक्शन था, वो होलसेल में 35 हज़ार का था और रिटेल में 60 हज़ार रुपये का इंजेक्शन था, वो लाने के लिए बताया गया था। लेकिन हम लोग समाज सेवक है, किशोर भाव है और हमारी टीम है, हम लोगों ने डीन साहब को बात किया और एक मैडम थे, कौन सी मैडम है, भ्रष्टाचार्य मैडम है, उनको हम लोग ने फ़ोन किया। मैडम ने और सर ने दोनों ने मिल के वो इंजेक्शन एक आधे घंटे में अरेंज करके दिया। वो अरेंज करके दिए बात हम लोग को इतना अच्छा लगा कि एक गरीब के लिए 60 हज़ार रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। उसके लिए 2 साल भी वो पैसे नहीं कमा सकता है 60 हज़ार, क्योंकि घर खर्चा चला के 60 हज़ार रुपये कमाना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। लेकिन हमको डीन साहब ने और मैडम ने जो अरेंज करके दिया, तो हमने आज उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया और उनको हमने बुके और शॉल से नवाजा, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आगे जो भी लगेगा हम लोग आपको मदद करेंगे, आप ऐसी सकारिया करते रहिए। आपको लगता है कि सारा सिस्टम चेंज हो गया? घाटी का सिस्टम तो ऐसा हो गया है सर, हम तो बार बार, हमारा हर 5 दिन 6 दिन में एक निवेदन रहता था कि यहाँ थूका हुआ है, यहाँ घान है, ये कर्मचारी यहाँ काम नहीं कर रहे, यहाँ नातेवाईक खुद आते हैं स्ट्रेचर लेके जाते हैं, स्ट्रेचर नहीं मिलता है, हाथ में उठा के लेके जाते हैं। लेकिन आज का जो दौर है, ये डीन साहब जो आए हैं नए, हमने देखा है कि कर्मचारी जो एम्बुलेंस आती है या ऑटो आती है, इमरजेंसी पेशेंट जैसा कैजुअल्टी के सामने आता है, तो वैसी ही कर्मचारी डायरेक्ट वो आके पकड़ के अंदर लेकर जाते हैं। तो हमको ये देखकर बहुत खुशी हुई। हम चाहते हैं कि ये डीन आज भी रहना चाहिए और आगे भी रहना चाहिए, इनको रिटायर हुए बाद भी एक्सटेंशन पे लेना चाहिए। औरंगाबाद को ऐसे डीन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पूरे ग्रामीण से इतने लोग आते हैं, ग्रामीण से क्या सिटी से क्या इतने लोग आते हैं। यहाँ कैपेसिटी कम थी, फिर भी उन्होंने कर्मचारियों को लेके चलने की हिदायत दी। आज माशाल्लाह से घाटी का सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है और पूरा मेडिसिन इंजेक्शन सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, और नहीं भी है तो ये अवेलेबल करके दे रहे हैं। रात्री आमचे मित्रांना एक पॅरालायसिस अटॅक आला होता, आल्यानंतर आम्ही रात्री घाटीमध्ये घेऊन आलो 10:30 अब्दुल रहमान अब्दुल करीम पेशंटचं नाव आहे, त्याला मेडिसिन विभागामध्ये आयसीयू मध्ये ऍडमिट केलं। मग डॉक्टरांनी तात्काळ त्याला एक इंजेक्शन लिहून दिलं, ते इंजेक्शनची किंमत मार्केटमध्ये 60 ते 65 हज़ार रुपये होती आणि होलसेलमध्ये 35 हज़ाराला येत होतं। मग आम्ही रात्री 11:30 आमचे घाटीचे डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे सरांना मी रात्री संपर्क केला आणि मीनाक्षी भट्टाचार्य मॅडम यांना संपर्क केला आणि पेशंटची कंडिशन सांगितली की एवढं इंजेक्शन महागाचं ते विकत नाही आणू शकत। मीनाक्षी भट्टाचार्य मॅडम आणि शिवाजी सुकरे सरांनी रात्री जास्तीत जास्त अर्धा तासामध्ये ते 35 हज़ाराचं इंजेक्शन अवेलेबल करून पेशंटला रात्री 12 वॉर्ड मध्ये अवेलेबल झालं आणि पेशंटला इंजेक्शन देऊन पेशंटचा जीव वाचला आहे। म्हणून आम्ही सर्व पेशंटचे मित्र परिवार सरांना भेटून सरांचं आम्ही अभिवंदन करतो की सर तुम्ही खूप चांगलं काम करताय आणि आमच्यासारख्या सामान्य माणसाला रात्री बेरात्री कधीही फोन केला तर 1 मिनिटात रिस्पॉन्स देता आणि काय पेशंटची कंडिशन असन काय असन जाणून मदत करता। म्हणून आम्ही सरांचा एक छोटासा आमच्यातर्फे सत्कार करायला आलो आहे सरांकडे।
किशोरनं सांगितल्याप्रमाणे अब्दुल रहीम अब्दुल करीम ह्या रुग्णाला पॅरालिसिसचा अटॅक आला होता, ज्याला आपण स्ट्रोक म्हणतो, तर त्यांना गंभीर अवस्थेमध्ये मेडिसिन विभागामध्ये दाखल करण्यात आलेलं होतं आणि किशोर यांनी मला फोन केल्यानंतर सांगितलं की सर हे गरीब आहेत आणि यांना हे पैसे खर्च करून हे औषध इंजेक्शन आणू शकत नाही, तर त्यावेळेस आम्ही संबंधित विभागाला तशा सूचना दिल्या, आदेश दिले आणि रुग्णाला हे औषध तत्काळ उपलब्ध करून दिले. मी या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर आपणा सर्वांना माहीतच आहे की चिठ्ठीमुक्त घाटी आणि या चिठ्ठीमुक्त घाटीमध्ये सर्व प्रकारची औषधी इंजेक्शन, जे अत्यावश्यक औषधी असतील, सर्जिकल आयटम असतील, हे सर्वच आपण मोफतमध्ये उपलब्ध करून देत आहोत. आता ही जी आहे 60,000 मार्केटमध्ये किंमत असेल किंवा असे बाकीचे काही औषधी आहे ज्याची 5-6 हजारापासून किंमत असते आणि ते 6-7 इंजेक्शन एका रुग्णाला लागतात, तर ही सर्वच आपण मोफत उपलब्ध करून देत आहोत. आपल्याला माहित आहे की घाटीमध्ये येणारा माणूस, रुग्ण जे आहेत त्यांचे नातेवाईक आहे, ते अशाच परिस्थितीमध्ये या ठिकाणी येतात. त्यांच्याजवळ असं इंजेक्शन घेण्यासाठी कधी कधी रजिस्ट्रेशनचे 20 रुपयाची पावती फाडण्यासाठी सुद्धा पैसे नसतात, याची मला जाणीव आहे आणि या ठिकाणी वैद्यकीय अधीक्षक डेप्युटी डीन म्हणून काम केल्यामुळं हे सर्व प्रश्न माहीत असल्यामुळं मी या ठिकाणी मागच्या 7 महिन्यापासून ह्या सर्व प्रकारच्या सुविधा गोरगरीब रुग्णांना देण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि मला असं वाटतं त्याचाच हा एक भाग आहे. मी किशोरचं मनापासून आणि त्यांच्या टीमचं मनापासून धन्यवाद देतो की त्यांनी आमच्यापर्यंत ही समस्या पोहोचून या रुग्णाला योग्य वेळेत उपचार करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल त्यांचे सर्वांचे धन्यवाद व्यक्त करतो आणि यापुढेही ग्वाही देतो की आमच्या डॉक्टरांनी कुठलं एखादं इंजेक्शन गोळी लिहून जरी दिली असेल तर आपण ते आमच्या मुख्य भांडार जे औषधी भांडार तिथं संपर्क करावा. ती गोळी आम्ही वार्डात जरी नसेल, आयसीयूमध्ये नसेल, अपघात विभागामध्ये नसेल, तर आमच्याकडून ती गोळी खरेदी करून याच ठिकाणी ते देण्यात येईल, परंतु कोणीही बाहेरून ते आणू नये. काही लोक जाणीवपूर्वक संस्थेची बदनामी करतात की या ठिकाणी औषधं नाहीत, इंजेक्शन नाहीत, तर त्यावर कुठलाही विश्वास न ठेवता प्रशासनावर विश्वास ठेवा आणि हे जे काही याच्या माध्यमातून CSR च्या माध्यमातून किशोर सारखे त्यांच्या टीमचे लोक काम करतात त्यांच्या मार्फत सुद्धा आपण प्रशासनापर्यंत पोहोचावं अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि परत एकदा या सर्वांना धन्यवाद देतो. धन्यवाद. मैं मुख्तार खान और हमारी ये पूरी टीम है और हमारी एक यहाँ संस्था भी चलती है द हाउस ऑफ होप बोल के, हम लोग आते रहते हैं यहाँ, जो भी मदद करे लगता है हम सभी मिलके करते हैं. और जब तक हम ये डीन साहब जब से नए आए हैं यहाँ पर, जब से ना हमने इनको निवेदन दिया कोई, क्योंकि काम ही ऐसा चल रहा है साहब, यहाँ देखे हमने साफ सफाई का काम देखो आप, एक नंबर कर्मचारी का काम देखो आप, पहले तो कर्मचारी देखने नहीं मिलते थे, नातेवाईक खुद स्ट्रेचर ढकेलते लेकर जाते थे जब पेशेंट आता था सीरियस, तो आज देखेंगे आप तो नातेवाईक अपना मजे में खड़े रहता है, पेशेंट लाया तो ऑटो आओ या एम्बुलेंस आओ, तुरंत आते हैं लेकर जाते हैं. ये सब ये हमारे डीन साहब की मेहरबानी है, हमको ऐसा डीन चाहिए, हमेशा ऐसा डीन औरंगाबाद को होना चाहिए. और साहब अगर से रिटायर होते हैं या साहब की अगर कहीं बदली भी होती है तो हमारी शासन से मांगनी है कि ऐसे डीन की ना बदली करे और ये जो रिटायर हो जाएंगे तो इनको एक्सटेंशन पे यहाँ लाया जाए. और एक अंत्यविधि हुई थी, अंत्यविधि के टाइम में कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी तो साहब ने, साहब को फोन किया गया, साहब ने अर्जेंट 2,000 रुपए ऑनलाइन मार दिए थे, अर्जेंट मार के साहब ने इतनी मदद, जब भी फोन करे साहब को तो हर टाइम साहब मदद करते और हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं.